ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶକ୍ତି ବିକାଶର ଅନ୍ୟତମ ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କଲାମ। ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲାମଙ୍କ ମହତ୍ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲା। अग्नि पृथ्वी परि बलशाली क्षेपणास्त्रर सफल परीक्षण डॉक्टर कलाम को द्वारा संभव हो पारी थिला। 1997 मसीह भारत रत्न सम्मान रे सम्मानित करा जैतिला। 1961 मसीह हिंदीर प्रख्यात कवि और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देहांत होइतिला। तांकर इलाहाबाद ठारे देहांत होइतिला। तांकु हिंदी साहित्यर सबुठारु बड़ कविमानक सहित गणा जाए। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत भली कविंक सह से हिंदी साहित्य में छायावादर प्रारंभ करते। रामंक शक्ति पूजा, सरोज-स्मृति और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निरालांक प्रसिद्ध रचना भावे ग्रहण कराए। 1932 मसीह आज दिन में भारतर विमान सेवा एयर इंडिया प्रथम फ्लाइट उड़ाण आरंभ होता। स्वाधीनता पूर्व यह विमान सेवा को टाटा एयरलाइंस नाम से जाना जाता। केवल मात्र जड़े पायलट, जड़े पार्ट टाइम इंजीनियर और अन्य दुई जन सहयोगी आरंभ होता विमान सेवा को द्वितीय विश्वयुद्ध पर एयर इंडिया नाम से नामित करागला। 1920 मसीहा आज दिन में अमेरिकीय लेखक और स्क्रीन राइटर मारियो पुजो जन्म होता। तांकु खास करी माफिया एवं अंडरवर्ल्ड उपर आधारित पुस्तक लेखापी स्मरण कराए। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक गॉडफादर तांकर अन्यतम प्रमुख रचनागुड़िक भितरु गोटे, जहाकु आधार करी हॉलीवुड रे गॉडफादर नाम एक फिल्म रो निर्माण होई सारी। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।